बात हमारे साथी यमन के बचपन की है। टीवी पर हर संडे एक लड़का आया करता था स्टाइलिश सी बाइक पर बैठकर, बिना शर्ट पहने। बाइक से उतरकर स्टेज पर चढ़ता, गले में गिटार डाले और फिर एक गाना गाता। वो जो गाता उसे 4 या 5 साल का हमारा ये साथी यमन बेपरवाह होकर जोर जोर से दोहराता। इस प्रोसेस में उस हीरो की तरह वो भी अपनी टी शर्ट को अलविदा कह देता, जिसके परिणाम स्वरूप मम्मी से प्यार भरी चपत मिलती। वो गाना था ओ जाने जाना, जिसका साथ सिर्फ यमन के ही बचपन तक नहीं था, बड़े होने पर भी वो ये गाना सुनता। लेकिन हर बार एक बात खटकती कि मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी वाली लाइन में ख्वाब की जगह काब क्यों सुनाई दे रहा है। गाने वाले का नाम खोजा तो कमाल खान सामने आया। उनके ख्वाब को काब गाने की वजह भी क्लियर हो गई जब पता चला कि कमाल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और वो बचपन से वहीं रह रहे थे। कमाल के बारे में और जानने की इच्छा हुई तो पाया कि इंटरनेट पर उनके बारे में छिन भिन फॉर्म में इंफॉर्मेशन है। ओ जाने जाना के बाद उनके करियर में क्या हुआ, कमाल खान आजकल कहाँ है, आज आपको यही बताएंगे। आइए जानते हैं कमाल खान की कहानी, कहाँ गए ये लोग के इस एपिसोड में। साल 1997, उन दिनों सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग से ब्रेक के दौरान सलमान अपनी गाड़ी में बैठे थे। उनके साथ गाड़ी में कमाल भी थे, जो अपना रिकॉर्ड किया हुआ गाना बार बार लूप पर सुन रहे थे। उन्होंने वो गाना सलमान की इस नई फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया था। जब 10-12 बार लगातार सुन लिया तो लगा कि ये गाना जरूर हिट होगा। वो गाना था ओ जाने जाना, हिंदी फिल्मों के लिए गाया कमाल का पहला गाना। उस गाने ने कमाल के करियर को बिफोर और आफ्टर में पार्ट दिया। उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। कमाल की लाइफ के बिफोर वाले हिस्से के बारे में ज्यादा पढ़ने और सुनने को नहीं मिलता। इंग्लैंड के उस लड़के के सलमान की फिल्म तक पहुंचने की जर्नी के बारे में बताएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कमाल ने बताया कि उन्होंने स्कूल में म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। छोटी उम्र में ही गाने भी लगे थे, सिंगिंग में मजा आने लगा था, लेकिन फिर एक झटके में उससे अलग हो गए। ये झटका आया एक रियलाइजेशन की वजह से कि कितना भी म्यूजिक सीख लो, गाने गा लो, एंड में तो फैमिली बिजनेस ही संभालना है। कमाल की फैमिली प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में डील करती थी, उनसे भी यही काम संभालने की उम्मीद थी। कमाल बताते हैं कि जब उन्होंने खुद को पूरी जिंदगी ये काम करते हुए इमेजिन किया तो मन में ख्याल आया कि हमसे ना हो पाएगा। घर वालों को मनाया और फिर से म्यूजिक की तरफ मुड़ गए। खुद से एक गाना लिखा और उसे रिकॉर्ड किया। अब जरूरत थी उसे जनता तक ले जाने की। इसी हसरत को पूरा करने के लिए कमाल रेडियो स्टेशंस गए, रिक्वेस्ट की कि मेरे गाने को आप अपने स्टेशन पर प्ले करें, जो मैंने अभी अभी बनाया है। रेडियो वालों ने मना कर दिया। कमाल ने दूसरा रास्ता पकड़ा, म्यूजिक लेबल्स को अप्रोच करना शुरू किया। एक ने रिजेक्ट किया, दूसरे ने बिना गाना सुने ही मना कर दिया, पर तीसरे में बात बन गई। उन्होंने अपना पहला गाना ओ जाने जाना म्यूजिक कंपनी के साथ मिलकर रिलीज किया। ये साल था 1996 जब कमाल का पहला गाना रिलीज हुआ। इंग्लैंड में इसे खूब पसंद किया गया, खासा पॉपुलर हुआ, इतना कि सलमान खान तक पहुंच गया। सलमान और कमाल लंबे समय से दोस्त थे, इसलिए जब सलमान को पता चला कि उनके दोस्त ने अपना गाना रिलीज किया है तो उन्होंने सुना। कमाल ने बताया कि सलमान को गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने सुनते ही एक वादा कर डाला कि मैं जो भी फिल्म प्रोड्यूस करूंगा उसमें तुम्हारा ये गाना जरूर यूज करूंगा। सलमान ने सोहेल खान के डायरेक्शन में बन रही प्यार किया तो डरना क्या में कमाल की आवाज़ यूज करने का फैसला लिया। लेकिन यहाँ भी एक कैच था, फिल्म के लिए कमाल की आवाज़ फाइनलाइज करने से पहले म्यूजिक कंपोजर जतिन ललित की जोड़ी ने एक और सिंगर का ऑडिशन लिया। कमाल ने दूसरे सिंगर का नाम नहीं बताया, बस अपने इंटरव्यू में इतना कहा कि वो इंडस्ट्री के बड़े नामों में से एक थे। कमाल वाला वर्जन अप्रूव हो गया था, अब फिल्म के लिए गाने को शूट किया जाना था। गाने के वीडियो में आप देखेंगे कि सलमान ने कहीं भी शर्ट नहीं पहनी हुई, ये पहले से तय नहीं था, इसके पीछे कहानी है। कमाल के मुताबिक शूटिंग के वक्त सेट पर ऐसी कोई भी कॉस्ट्यूम नहीं थी जो सलमान को फिट हो सके, इसलिए उन्होंने ये गाना शर्टलेस होकर ही शूट कर डाला। सलमान की स्क्रीन प्रेजेंस और कमाल की आवाज ने इस गाने को चार्टबस्टर बना दिया। कमाल को फिल्मों से ऑफर आने लगे, फिल्मी गानों के बीच वो अपने एल्बम भी निकालते रहे, फिर चाहे वो ओ जाने जाना हो, सुनो तो दीवाना दिल या बॉयज टू मैन हो।
कमाल के सोलो एल्बम्स ने उनकी जगह को और पुख्ता कर दिया था। उनके पहले गाने ने उनका प्रोफेशनल सिंगिंग करियर फुल स्विंग में शुरू कर दिया था। उनके करियर को एक स्टेप अप करने का काम किया उनके एल्बम के गाने कल रात में। ये गाना इतना हिट रहा कि इसका म्यूजिक वीडियो अलग से तैयार किया गया, फॉरेन लोकेशन डिसाइड की और पूरा गाना वहीं शूट कर डाला। उस दौर में विदेशी लोकेशन पर जाकर गाने शूट करना ट्रेंड सा बनता जा रहा था। रोम में शूट किया गया कल रात का वीडियो भी हिट रहा। जिस पीरियड में कमाल सिंगिंग करियर में ऊपर ऊपर इन द एयर होते जा रहे थे, उसी दौरान अर्जुन और बेताब जैसी फिल्मों के डायरेक्टर राहुल रवेल अपनी नई फिल्म पर काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था जो बोले सो निहाल। जो बोले सो निहाल के टाइटल से बन रही फिल्म के लिए राहुल को विलेन की तलाश थी। उन तक कल रात का वीडियो पहुंचा और बस हो गया विलेन फाइनल। कमाल को एक्टिंग रोल ऑफर हुआ और वो मान भी गए। उसी साल फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई। साल 2005 में बनकर रिलीज हुई और फिर जिसने भी देखी उसने यही सवाल पूछा कि आखिर ये फिल्म क्यों रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर बुरा हश्र हुआ। कमाल खान ने इसके बाद कभी कोई दूसरी फिल्म नहीं की। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उन्होंने एक्टिंग जारी क्यों नहीं रखी। इस पर उनका जवाब था कि उनकी माँ की खराब तबीयत के चलते उन्हें सब कुछ छोड़कर वापस लंदन शिफ्ट होना पड़ा था। मीडिया में उनके इंडिया छोड़ने को लेकर एक और खबर चलती है जिसका कनेक्शन साल 2002 तक जाता है। 28 सितंबर साल 2002 की रात मुंबई शहर, न्यूज आती है कि सलमान खान की गाड़ी से एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में एक आदमी की डेथ हो गई और चार लोग बुरी तरह घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमाल भी उस रात सलमान की गाड़ी में थे और एक्सीडेंट के बाद वहां से भाग गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि कमाल ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि उस रात सलमान ही गाड़ी चला रहे थे। कमाल ने ऐसे सभी दावों को खारिज कर दिया। ताज्जुब की बात तो ये है कि मीडिया में कमाल खान का नाम एक स्टार विटनेस की तरह उछाला जा रहा था, लेकिन कभी भी उन्हें कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया गया। सलमान की तरफ से केस लड़ रहे अमित देसाई ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि प्रोसिक्यूशन ने जानबूझकर कमाल को कभी सेशंस कोर्ट में नहीं बुलाया क्योंकि उन्हें डर था कि कमाल की गवाही से सच सामने आ जाएगा। दूसरी ओर प्रोसिक्यूशन का कहना था कि कमाल को कोर्ट में बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सलमान के खिलाफ उनका केस पहले से मजबूत था। साल 2002 में शुरू हुआ हिट एंड रन केस 2015 तक चला, जहां कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया और उनके ड्राइवर को दोषी पाते हुए अरेस्ट किया गया। इस केस के शुरुआती सालों में कमाल जो बोले सो निहाल की अपनी को एक्टर शिल्पी शर्मा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। फिल्म के सेट पर ही दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। शिल्पी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि हिट एंड रन केस को लेकर कमाल परेशान रहते थे। अगर वो गलती से भी इस केस का जिक्र कर देती तो वो उत्तेजित हो जाते, इसलिए दोनों ये टॉपिक छेड़ने से कतराते थे। शिल्पी के मुताबिक साल 2008 में दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। उन्हें सुलझाने की कोशिश होती लेकिन फिर भी झगड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर एक सुबह शिल्पी अपने घर में उठी, इधर उधर कमाल को देखा लेकिन वो नहीं थे। पूरे घर में ढूंढा, उनका कोई निशान नहीं था। जब तक शिल्पी की नींद खुली, कमाल उनसे हजारों किलोमीटर दूर जा चुके थे। कमाल ने किसी को भी कोई वजह नहीं बताई और चुपचाप फिर से लंदन शिफ्ट हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में एक सोर्स के हवाले से लिखा गया है कि साल 2007 में कमाल ने ब्रोकर से मिलना शुरू कर दिया था। वो अपना घर बेचना चाहते थे। मीडिया में बार बार यही क्लेम किया गया कि सलमान खान हिट एंड रन केस की वजह से कमाल ने इंडिया छोड़ दिया। हालांकि कमाल ने ऐसी हर बात को झूठ बताया और कहा कि वो अपनी मां की तबीयत की वजह से लंदन शिफ्ट हुए थे। सिंगिंग के बाद कमाल ने एक्टिंग करियर में हाथ आजमाया लेकिन बात नहीं बनी। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया। साल 2005-06 के बाद से ही इंडियन टेलीविजन स्पेस में रियलिटी शोज पॉप कल्चर का बड़ा पार्ट बनने लगे थे। एनडीटीवी ने अपने नए चैनल यानी एनडीटीवी इमेजिन पर एक रियलिटी शो शुरू किया, धूम मचा दे। कमाल उसी शो में नजर आए। उसके अलावा वो जब तक इंडिया में रहे सलमान की फिल्मों में अपनी आवाज देते रहे। कमाल बीच बीच में कुछ इंडिपेंडेंट म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आए। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से लंबे समय तक दूर रहने के बाद उन्होंने कमबैक किया। साल 2017 में आई सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट में उन्होंने नाच मेरी जान गाना गाया। उसके बाद दबंग 3 में मुन्ना बदनाम के लीड मेल सिंगर भी कमाल ही थे। 2021 में रिलीज हुई राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में उन्होंने सलमान के लिए दो गाने गाए, सीटी मार और दिल दे दिया। कमाल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो कुछ और अपकमिंग फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड करने वाले हैं, बस अभी वो इन फिल्मों के नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आपके लिए पूरी रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी यमन ने। मैं हूँ अर्षिता, दिखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।